YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कल शाम पाकिस्तान ने सीमा पर एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय जवानों ने करारा जवाब दिया और कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 3 जवानों को मार गिराया। इस जवाबी कार्रवाई के साथ ही भारतीय सेना ने शनिवार को शहीद हुए 4 जवानों की शहादत का बदला ले लिया। तेईस दिसंबर को पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में देश की सेवा करते करते मेजर मोहरकार प्रफुल्ल अंबादास, लांस नायक गुरमेल सिंह, लांस नायक कुलदीप सिंह और सिपाही प्रगट सिंह शहीद हो गए थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को हुए आतंकवादी बम विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई। एजेंसियों के मुताबिक गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहीमी के हवाले से बताया गया कि हमलावर ने काबुल में राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के कार्यालय के पास सुबह लगभग 8 बजे विस्फोट से खुद को उड़ा दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में एक और शख्स घायल हुआ है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है और अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पिछले 21 महीने से तथाकथित जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मुलाकात कल उनकी मां और पत्नी से हुई। इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान विदेश मंत्रालय में ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। बंद कमरे में शीशे के आर पार इस मुलाकात के समय पाकिस्तान में भारतीय उप उच्चायुक्त जेपी सिंह भी परिवार के साथ मौजूद रहे। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मुलाकात कल उनकी मां और पत्नी से हुई। मुलाकात के फौरन बाद पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करने में जुट गया है। मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने टुकड़े टुकड़े में कई वीडियो जारी किया है। उनमें से एक वीडियो है जिसमें कुलभूषण जाधव परिजनों से मुलाकात कराने के लिए पाकिस्तानी सरकार को शुक्रिया कहते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मुलाकात के पहले ही कर ली गई थी, यानी पाकिस्तान अपनी छवि चमकाने के लिए एक बार गलत रास्ते पर निकल पड़ा है। गुजरात की नवनिर्वाचित सरकार के सीएम विजय रूपाणी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गांधीनगर के सचिवालय मैदान में आयोजित गुजरात सरकार के इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गुजरात पहुंचे पीएम मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो भी किया। गांधीनगर में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में विजय रूपाणी को राज्यपाल ओपी कोहली ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सीएम के अलावा डिप्टी सीएम नितिन पटेल और राज्य मंत्रिपरिषद के 19 सदस्यों ने भी शपथ ली। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 182 सीटों वाली विधानसभा में 99 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। विधानसभा के चुनाव के बाद बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में विजय रूपाणी को विधायक दल का नेता और नितिन पटेल को उपनेता चुना गया था। मुंबई में सोमवार को शुरू हुई एसी ट्रेन में एक यात्री को बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़ा गया। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यात्री से 435 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसमें 165 रुपए भाड़ा, 250 रुपए जुर्माना, 10 रुपए CGST और 10 रुपए SGST शामिल है। अधिकारी ने कहा कि यात्री को चर्चगेट जाने वाली ट्रेन में यात्रा करते हुए पकड़ा गया। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने सोमवार को मुंबई के यात्रियों के लिए देश की पहली वातानुकूलित लोकल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। क्रिसमस के मौके पर और नए साल के से पहले देश की पहली एसी लोकल ट्रेन की पहली दौड़ में मीडिया अधिकारियों और कुछ राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं सहित पश्चिम रेलवे के बोरीवली और चर्चगेट के बीच के यात्रियों ने सफर किया। यौन शोषण के आरोप में घिरे बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रमों पर लगातार छापेमारी हो रही है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्व दिल्ली के थाना करावल नगर के अंतर्गत वेस्ट कमल विहार के आश्रम में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। वहीं इस दौरान उनके साथ महिला आयोग की अध्यक्षता स्वाति माहिवाल भी मालीवाल भी मौजूद रही। इस दौरान स्वाति माहिवाल ने बताया कि छापेमारी के दौरान
तीन से चार नाबालिग लड़कियां आश्रम में मिली हैं, जो कुछ बताने को तैयार नहीं है। साथ ही कुछ रजिस्टर भी सील किए गए हैं। स्वाति मालीवाल ने सीबीआई से तुरंत मामले की जांच करने के लिए कहा, मामले की गहनता से जांच की जाए और फर्जी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ताकि फरार चल रहे बाबा की जल्द ही गिरफ्त हो। और वहीं आश्रम में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि हमारे बाबा पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं सेना के पाकिस्तानी सीमा में घुसकर उनके तीन सैनिकों को मौत की घाट उतारने के बाद करनाल के शहीद सैनिक प्रगट सिंह के परिवार ने स्वागत किया है। इस पर शहीद प्रगट सिंह के परिवार वालों का कहना है कि पाकिस्तान को उसके किए का सबक जरूर मिलना चाहिए। वहीं परिवार वालों का कहना है कि सेना के इस एक्शन से उन्हें इस बात की खुशी है कि भारतीय सेना ने अपने जवानों के खोने का बदला ले लिया। नानौंद में गेस्ट टीचरों का धरना लगातार 56वें दिन भी जारी है। प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन कर नियमित करने की मांग उठा रहे हैं। गेस्ट टीचर्स का कहना है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनाते ही पहली कलम से पक्का करने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार अपना वादा भूल गई है। वहीं गेस्ट टीचर्स का कहना है कि सभी गेस्ट टीचर्स को एकजुट होकर सरकार को वादा याद दिलाने का काम किया जा रहा है और सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता तो उनका ये धरना उग्र रूप धारण कर लेगा। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 थाना के यूको बैंक में चोरों के उत्पात का मामला सामने आया है, जहां चोर बैंक की दीवार के साथ सटी खाली पड़े होटल की दीवार को तोड़कर बैंक में दाखिल हुए और बैंक में जमकर उत्पात मचाया। गनीमत रही कि चोर बैंक में पड़े 25 लाख रुपए तक नहीं पहुंच पाए। बैंक मैनेजर ने बताया कि चोरों ने बैंक में दाखिल होकर सीसीटीवी की तार काटकर कैमरे को मोड़ दिया, जिससे चोरों की संख्या का नहीं पता लग पाया। मैनेजर ने बताया कि चोरों का मकसद सिर्फ स्ट्रांग रूम में रखे पैसों को चुराना था, लेकिन वे चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे सके। थाना प्रभारी बालकिशन ने बताया कि बैंक के अधिकारियों ने बयान के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी के माध्यम से चोरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। विधायक दल की बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम के लिए जयराम ठाकुर के नाम की घोषणा होते ही मनाली में भाजपा कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जयराम के नारे भी लगाए और कार्यकर्ताओं ने रामबाग से आइस ब्रेक्स चौक तक विजय रैली निकाली। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा धनेश्वरी ठाकुर ने कहा कि हाईकमान का निर्णय सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वे हाईकमान का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जयराम ठाकुर जैसे प्रतिभा भवान वह अनुभवी नेता के हाथ में प्रदेश की कमान थी। अवैध भवनों के निर्माण को लेकर आज नगर परिषद सोलन की आपात बैठक होगी। ये बैठक हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलाई गई है। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि शहर में करीब 300 अवैध भवनों पर कार्रवाई कब से और कैसे की जाएगी, ताकि शहर को अवैध कब्जों से मुक्त किया जाए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते 20 नवंबर को जिला प्रशासन और नगर परिषद को फटकार लगाते हुए आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द नगर परिषद की बैठक बुलाई जाए और अवैध कब्जों में जांच की रणनीति को तैयार किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉटनिकल गार्डन और कालकाजी मेट्रो का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम ने यहां मेट्रो में सफर भी किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सबसे पहले क्रिसमस की बधाई दी। इसके बाद उन्होंने भारत रत्न मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी उनके जन्मदिन के अवसर पर याद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लेकर मेरा लालन पालन किया है और नई जिम्मेदारियों के लिए ढाला है। देश को स्थिर सरकार देने में उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
पीएम मोदी ने कहा कि योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में यहां बहुत ही उत्तम तरीके से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके कपड़े देखकर ये भ्रम फैलाया जाता है कि वे आधुनिक सोच के हो ही नहीं सकते। फैजाबाद के जीआईसी मैदान में सोमवार से 11 दिवसीय चलने वाले अयोध्या महोत्सव का आगाज हो गया। अयोध्या महोत्सव का उद्घाटन अयोध्या के बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किया। इस मौके पर बीजेपी विधायक खबू तिवारी और बाबा गोरखनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान अयोध्या के संतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पहले ये महोत्सव फैजाबाद महोत्सव के नाम से हुआ करता था, लेकिन अयोध्या नगर निगम बनने के बाद इसका नाम बदलकर अयोध्या महोत्सव कर दिया गया। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम को पेश करने के लिए देश के जाने माने कलाकार भी शामिल होंगे।